हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ राहुल शर्मा, आपका बिजनेस स्टडी मेंटर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इजीली के प्लेटफॉर्म शिखर 2.0, जिसे भैया हम कह रहे हैं अपलोडिंग एंड रीलोडिंग। तो कैसे हो मेरे साथियों, कैसे हो बच्चों, मस्त? मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा? कैसी चल रही है पढ़ाई? समझ में आ रहे ही नहीं आ रहे टॉपिक्स? प्लानिंग की बात चल रही है, प्लानिंग को हमने काफ़ी इसके डेफिनेशंस के साथ पढ़ा है, इसके अपन ने इंपॉर्टेंस पढ़ लिया, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ लिए, अभी भी कुछ लिमिटेशंस पड़े थे, पर कुछ लिमिटेशन अभी बचे। जो पिछले क्लास में हमने लिमिटेशंस कवर किए थे, वो लिमिटेशंस थे भैया जो कि हम कंट्रोल कर सकते थे, या वो लिमिटेशन जो इंटरनली है या प्लानिंग करने के अंदर दौरान ही आते हैं। आज हम बात करेंगे उन लिमिटेशंस को लेकर जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। जैसे कि हम बात करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को लेकर। भाई हमने क्या बोला था, बिजनेस एनवायरनमेंट की बात की थी, नहीं करी थी बेटा? करी थी। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए क्या कहा था हमने? ये भैया बिजनेस एनवायरनमेंट वो चीज है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ठीक है? या तो इंडिविजुअल है, इंस्टीट्यूशन है, ग्रुप ऑफ फैक्टर्स है जो आउटसाइड द बिजनेस होते हैं और बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली करते हैं, असर डालते हैं। अब जब वो असर डालेंगे तो भैया बिजनेस को रन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिजनेस को अपने आप अकॉर्डिंग क्या करना, चेंज करना पड़ता है। तो उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम क्या बोलते हैं, देयर आर लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग विच आर नोन एज एक्सटर्नल लिमिटेशन। क्या बोलते बेटा? एक्सटर्नल लिमिटेशन। और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ सभी से कि DPPs की तैयारी भी करनी है, तो उसके लिए करना है क्या, ऐप डाउनलोड कर लेना है। क्या करना है, कुछ नहीं, जाना है प्ले स्टोर पे और इजीली लर्न विद स्माइल को क्या कर देना है आपको, क्या करना है भैया, डाउनलोड करना है, इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करते ही ओपन हो जाएगा और वहां पे जो भी डिटेल मांग रहा है, बहुत छोटे से डिटेल मांग रहा है आपसे वो, ठीक है? आपका नाम, लोकेशन ऑन रख लेना। लोकेशन अगर वो नहीं ले रहा तो आप पर्टिकुलर से टाइप कर सकते हैं लोकेशन को, ठीक है? और वो लोकेशन ले लेगा, OTP आपके पास जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आप क्लास 11 जो हमारे ऐप में ऑलरेडी पढ़े वो, या फिर आप डायरेक्टली शिखर बैच, या फिर मान लीजिए आप जो है उदय बैच क्लास 11 के लिए रजिस्टर्ड हो जाते, वहां हो जाइए। वहां फीस आपको दिख रही होगी भैया 8,999 रुपए, है ना? बहुत ज्यादा लग रहा है क्या? कोई बात नहीं, आपके लिए हमने दे दिया डिस्काउंट, और डिस्काउंट कितना है, 100% डिस्काउंट है। वहां पे कूपन कोड मिलेगा आपको फ्री इजीली, उसको आपको टाइप कर देना है और आपका जो कोर्स है ये पूरा कोर्स क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, आराम से बैठ के पढ़ना करेंगे, ठीक है जी? और जल्दी आपके लिए एक और नई खुशखबरी लाने वाले हैं। मुलाकात करने की बारी है भैया, मुलाकात होनी चाहिए ना, मिलना चाहते हैं हम भी आपसे, आप भी हमसे, जल्दी ही मिलेंगे, इस बारे में जल्दी सूचना आपको मिलेगी। चलिए जी, तो हम जो बात कर रहे हैं आज वो है एक्सटर्नल लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग को लेकर, ठीक है? वुड यू से दैट सेल्स प्रोजेक्शन इन योर 3 ईयर्स प्लान्स आर रियलिस्टिक? तो ये तो कर दिया, 3 साल में हम इतना सेल्स कर सकते हैं, पर कुछ लिमिटेशंस हैं। प्लानिंग आपने कितनी जोरदार करी हो, पर एक्सटर्नली कुछ चीजें जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, और उनको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, हो नहीं सकता। वो कौन से हैं, चलिए पढ़ लेते हैं। सबसे पहला नेचुरल कैलामिटीज। देखिए डिटेल में नहीं पढ़ते, क्यों नहीं पढ़ते हम भैया? हम क्या है कि मेरा मानना है कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, रट्टाफिकेशन करोगे मतलब नहीं है। आपके सामने जिफ लगा रखा है मैंने, दिख रहा है ये कहां का जिफ है, ये कब देखा है, लोगों ने कब देखा है, सुना है, ये था सुनामी, खत्म हो गई थी ना भैया, अपना जो रौद्र रूप दिखाया था पानी ने, कैलामिटीज, ठीक है? इस तरह से अर्थक्वेक जो हमने गुजरात में देखा था, कितने लोग, जिसके ऊपर मूवी बनी थी काइपोचे, सुशांत सिंह राजपूत उसमें थे, अर्थक्वेक पूरा तबाह हो गया था, बड़ा मुश्किल से संभला। नेपाल में अर्थक्वेक आया था, कितना गंदा अर्थक्वेक आया था, ग्रुप पता नहीं ऐसे हिल जाते हैं। जापान तो वैसे ही अर्थक्वेक के मामले पर उन्होंने उस तरह से अपनी प्लानिंग कर ली भैया, वो वाली बात है ना, जापान को पता है कि हमारे तो भैया अर्थक्वेक जो है मजाक है, आते जाते रहते हैं। तो उस हिसाब से क्या करें, उन्होंने प्रीमिसेस डेवलप किए, उस हिसाब से क्या क्या उन्होंने प्लानिंग करी, उस हिसाब से क्या क्या उन्होंने ध्यान रखा, ठीक है? कि अब जो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जो हम डेवलपमेंट इस तरह से करेंगे, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से डेवलप होगा कि छोटे मोटे झटके तो यूं ही निकल जाएंगे, उनसे टेंशन लेने की दरकार नहीं, कुछ नहीं गिरेगा,
बात समझ में आई? सो नेचुरल कैलामिटीज, अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, कई बार हम लैंडस्लाइड करने पड़ते हैं, ठीक है, बादल फट जाता है, ठीक है, जैसे केदारनाथ बद्रीनाथ में हमने देखा है कई बार बिजली गिर जाना, ये चीजें। कोविड वॉज अगेन जो हमारे कंट्रोल में नहीं था, बीमारी कोई ऐसी आ जाए, फेमाइन हो जाए, तो वो चीजें कंट्रोल में नहीं होती, ठीक है, तो ये सूखा पड़ गया, तो उनमें क्या होता है बेटा, वहां पे बिजनेस इन्वायरमेंट नेचुरल जब कैलामिटीज होती है तो वहां पे प्लानिंग आपकी धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि आप इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना। आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कब सुनामी आएगी भैया, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कब अर्थक्वेक आएगा, बस आप ये रख सकते हो कि अगर हम ऐसी जगह बिजनेस कर रहे हैं जो अर्थक्वेक जोन में आता है, जो नंबर 5 पे आता है, या मान लीजिए बहुत डेंजर जोन है अर्थक्वेक, तो उस हिसाब से फिर आप उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे या काम करने का तरीका उस हिसाब से करेंगे। इज इट क्लियर, आगे समझ में? चलिए जी, तो ये जो बात हुई, तो ये हमारे जो आप जानते हो एज इट इज, और हमारे लाला जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, ठीक है, और क्या बोल रहे हैं कि जो आप पूछो चौरसिया साहब, तो चौरसिया साहब थोड़ी छुट्टी बनाने गए हुए हैं, ठीक है, तबियत बीच में खराब हुई, फिर ठीक हुई, गर्मी टाइम थोड़ा था, तो बोले मैं थोड़ा घूम ही आता हूँ जब तक हमारे छोटे भाई जो है लाला जी आपसे पढ़ेंगे, और मैं बोला बहुत बड़ी बात, अच्छी बात भैया, जितने बच्चे जुड़ेंगे हम उनको पढ़ाने का उतना ही मजा आता है, आता नहीं आता, आता है। अगली हम बात करते हैं चेंज इन कॉम्पिटिटर पॉलिसीज, देख रहे हैं जिफ, कौन सी मूवी है बताइए जरा, हाउस द जोश, हाय सर याद है, सर्जिकल स्ट्राइक, उरी। नाउ सर ये जिफ कैसे बना है यहां पे, मतलब समझ में नहीं आया चेंज इन कॉम्पिटिटर्स पॉलिसी, तो देखो इसको समझने का बड़ा सिंपल सा तरीका बेटा, इंडिया ने कभी ऐसा कुछ किया नहीं था, और पाकिस्तान इसको बड़े हल्के में ले रहा था, आतंकवादी आते हैं यहाँ कुछ ना कुछ कर जाते हैं, हमारे सैनिक मार जाते हैं, इतने लोग जो ताज अटैक हुआ वगैरह वगैरह बहुत सारे अटैक हुए, ठीक है, मुंबई अटैक, दिल्ली अटैक, जयपुर अटैक हुआ था, तो आते बम फोड़ते और चल जाते, बाद में ट्विटर हैंडल या वगैरह फेसबुक पर अपना वीडियो डालते और बोलते इसकी जो जिम्मेदारी हम लेते हैं, भाई जिम्मेदारी ले क्या कर लोगे तुम, एक तो सीना चोरी है ना, एक तो चोरी ऊपर सीना चोरी और वाला सीन था कि कर लेते थे, और हमारी मिसाल जो गवर्नमेंट्स थी वो हम इसकी निंदा करते हैं, ये गलत हुआ, हम जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम यूएनओ में जाके बात करेंगे, हम अमेरिका में उसकी वो लगाएंगे, अर्जी लगाएंगे, कंप्लेन करेंगे, वहाँ से आपको हम बात करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बस हमें से यही रहा, तो हमने अपनी पॉलिसी सेम रखी, तो पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी सेम रखी, उसने वही चीज़ करता क्या वो, ठीक है, जब इच्छा हो चलो क्या करना है, चलो यार इंडिया चलते हैं, बम बढ़ा कर जाते, थोड़े दो चार जनों को मार जाते हैं, सर काट गए हमारे जवानों के, क्यों हुआ, क्योंकि हमने अपनी पॉलिसी चेंज नहीं करी। फिर भैया पॉलिसी चेंज हुई, ऐसी हुई कि उसके बाद आज देख लो कोई है बम अटैक कहीं, कहीं आ रहे मुंबई में, कभी जयपुर में सुना है, वापिस सुना है नहीं ना, क्यों, क्योंकि आपने अपनी पॉलिसीज चेंज कर दी, अब सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, तो सेम वे बिजनेस में भी क्या होता है भाई, आप जिस कंपटीशन से लड़ रहे हो, जिस बिजनेस पे आप कर रहे हो उसमें जो कॉम्पिटिटर्स हैं, अगर उन्होंने पॉलिसी चेंज कर दी, वो पॉलिसी लोगों को ज्यादा पसंद आ गई, तो वो सारा उधर शिफ्ट हो जाएगा, हो जाए नहीं हो जाएगा, ये आपके कंट्रोल में है क्या, नहीं है ना भाई, नोकिया और सैमसंग को ले लीजिए, नोकिया नहीं बदला, सैमसंग आया बदल गया, अपनी पॉलिसी चेंज कर गया, एक टाइम पे सैमसंग एप्पल को टक्कर देने लग गया था, ठीक है, एप्पल अपनी पॉलिसी बड़ी क्लियर रखता था, स्टीव जो अपनी पॉलिसी बड़ी क्लियर रखते थे कि भैया मोबाइल ऐसा होना चाहिए जो हाथ में आ जाए, क्या हो जाए, हाथ में आ जाए, ठीक है, इजी टू हैंडल होना चाहिए, पॉकेट में आना चाहिए, इजी टू हैंडल, वो स्टीव जॉब का मानना था, और उस बेसिस पे उन्होंने क्या करा, एप्पल को क्या बना दिया, टॉप ब्रांड बना दिया, गजब का ब्रांड, हर कोई परचेज नहीं करता था, और जो परचेज करता वो ऑब्वियसली शो ऑफ वाला सीन था उनका, भैया मैंने जब मोबाइल, देखो मैं एप्पल वगैरह मोबाइल परचेज नहीं करता, इजी मेरे को हैंडल करना भी पसंद नहीं आता, वो iOS है, पर दुनिया में मैंने एक चीज़ देखी है, पांच दोस्त बैठे हुए हैं, ठीक है, पांच दोस्त बैठे हुए हैं, मान लीजिए टेबल है, बीच में बातें चल रही है, सब अपने मोबाइल निकालते हैं, निकालते हैं, अगर मान लीजिए इन सबके पास, इन चार के पास अगर एंड्रॉइड है, तो मोबाइल को क्या रखेंगे, सीधा रखते हैं, बहुत रेयर चेंज देखते हो कोई एंड्रॉइड मोबाइल उल्टा मुंह करके रखेगा, नहीं रखेगा, पर एप्पल वाला हमेशा जब भी मोबाइल निकाल के रखेगा वो उल्टा ही रखेगा, क्यों, स्टेटस सिंबल,
ठीक है, तो वो वाली बात है कि मतलब आपकी कॉम्पिटिटर पॉलिसी क्या है। वो आधा कटा हुआ एप्पल जो है वो इतना फेमस है दुनिया के अंदर कि भाई जब वो लॉन्च होता है तो फेमस बोलते हैं कि लोगों अपनी किडनी बेचनी पड़ जाती भैया उस एप्पल के मोबाइल खरीदने के लेकर, समझ रहे हो बात। तो वही चीज कि अगर कॉम्पिटिटर अपनी पॉलिसी चेंज करेगा वो आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। तो वो वाली चीज जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल ले किसी का भी, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए नेस्ले जब इंडिया से बाहर गया, ठीक है, इस चीज का फायदा उठाया किसने, यिप्पी ने, पतंजलि आ गया, मैदा नहीं है इसके अंदर, वो नहीं है, वो अपनी पॉलिसी चेंज करने लग गया, फिर नेस्ले अपनी पॉलिसी चेंज किया। तो पॉलिसी बहुत चेंज होती है। ये कब आया था भाई, बाय वन गेट वन फ्री, ये पॉलिसी आई ना जब किसी ने एक ने किया होगा वो अच्छा चला होगा तब दूसरों ने एक्सेप्ट किया, रिबेट, डिस्काउंट, फ्लैट 50% ऑफ, ठीक है, एंड ऑफ सीजन सेल, मिंत्रा लेकर आता है या फिर अपने जो अमेज़न फ्लिपकार्ट लेकर आता है एंड ऑफ सीजन सेल। तो ये सब क्या है, पॉलिसी चेंज करना, कॉम्पिटिटर्स की पॉलिसी। सो दैट्स व्हाई बेटा यहाँ पे भी तो ये जो चीज होती है ये आपके कंट्रोल में नहीं होती, सामने वाला जैसा चाहेगा वो करेगा। अब आपको उसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा। या तो आपकी ब्रांड ऐसी है जिसमें डजंट मैटर टू कि किसी फर्क नहीं पड़ता, पर अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अगला, चेंज इन टेस्ट फैशन ट्रेंड्स इन द मार्केट। एक मैं ढूंढ ही रहा था आप लोग के लिए इस चीज के लिए, मुझे एक चीज मिल गया, मतलब मैं इसको देखा दिमाग खराब हो गया मेरा। चेंज इन टेस्ट फैशन होता है ना, चेंज टेस्ट चेंज होता जा रहा है, फैशन चेंज होता जा रहा है, ठीक है। पहले के लोग किस तरह कपड़े पहना करते थे, वो बेल बॉटम वाले हमने ही पहने यार एक टाइम, बेल बॉटम वाले कपड़े, पर अब बेल बॉटम नहीं, अब तो पता नहीं वो कौन से आने लगे यार, वो स्किनी टाइप के, मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकता पहनने की, पर वो एकदम चमड़ी से चिपक जाता है। मैंने बोला इसको उतारने में तो बड़ी तकलीफ होती होगी, चिमटा लेके उतारना पड़ता होगा इसको, तो चमड़ी से चिपक जाता है, मतलब एंकल से ऊपर पहन रहे हैं, ठीक है, और बाल में पता नहीं क्या क्या कलर कर रखा है, घास फूस कलर उगा रखा है, फिर वो चमकीले कपड़े पहन लेते हैं एकदम शरीर से चिपके हुए। अब मतलब उमस का टाइम हो, गर्मी का टाइम हो, आप ऐसे कपड़े पहन लो, ऐसे ऐसे भी नहीं कर पाओ उसको, तो फिर क्यों ही पहनना, पर लोग पहनते हैं। चेंज इन टेस्ट फैशन ट्रेंड्स, ठीक है। बालों की स्टाइल ये देख लो, ये भाई ने क्या करा, इसने अपने बाल इस तरह से, ये आदमी जैसे ये तो बाल ऐसे कर रखे, तो भाई का ये चेहरा मान लीजिए, चेहरा मानो थोड़ा सा है मेरे को, भाई ने यूं कर रखा है बालों को, ठीक है, मतलब ऐसे धारदार बना रखा है। तो उसके दूसरे दोस्त ने मारने की कोशिश की तो वो अपने बालों से मार दिया, बोले उसे गला काट दिया। नहीं यार मतलब गजब हो यार, मतलब किसी का चेहरा फेमस नहीं करना मुझे यहाँ पे, पर इस बंदे में मैंने ये रील देखी यार, मतलब जीव देखा मैंने, मतलब वो बंदा यार सोचो वो मार रहा है, ये वो बालों से काट गया, देखो यार वो देखो मर भी गया, अबे क्या बाल है कि इसमें ब्लेड लगा रखा भाई तुम लोगों ने, समझ रहे हो। तो ये एग्जाम्पल तो मैंने ऐसे लिया आप लोग के लिए। तो चेंज इन टेस्ट, ठीक है ना, कि अब जैसे कोविड के बाद बोलते हैं हाइजीनिक हो गए, अब हम थोड़ा सा स्पाइसी कम खाते हैं या फिर हम बाहर का खाना कम खाते हैं, जंक फूड्स कम खाते हैं, ठीक है। उसके बाद में कई बार सर्वे आते हैं जंक फूड से ये बीमारी हो सकती है, ये बीमारी हो सकती है, तो टेस्ट चेंज हो गया। फैशन कपड़ों को लेकर चेंज होता रहता है, बीच में फुल पत्ती वाले आ गए थे, ठीक है, मुस्टैच को लेकर देख लीजिए, मूछें बढ़ाने लगे लोग, दाढ़ी रखने लग गए, ठीक है, पहले लोग जो बीच में क्लीन शेव रखते थे, अमिताभ बच्चन स्टाइल आया था तो लोगों ने वो लंबे लंबे बाल ऐसे कर लिए, तेरे नाम वाला आया था वो ऐसे वाला यूं कर लिया। अब ऑब्वियसली वो हर किसी में सूट नहीं होता, पर लोग करते हैं, ठीक है। ट्रेंड्स इन द मार्केट, ऑब्वियसली कुछ चीज़ें नहीं हो गई मार्केट में, आजकल ये चल रहा है जैसे कि आजकल डिजिटल बहुत हर कुछ जो है मोबाइल निकाल के सारा काम हो जाता है, ट्रेंड चेंज हो गया, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं वो बीच में स्टार्टिंग में जब मेरे स्कूल डेज थे वो कटोरा कट आया हुआ था यहाँ रखते थे, आज नॉर्मली वो यूज़ करते हैं, ठीक है, यहाँ रखते हैं ऐसे और ये पूरा साइड से पूरा काट देते थे, नॉर्मली हम उसे कटोरा कट कहते थे। तो क्या हो रहा बेटा, तो चेंज इन ट्रेंड, तो इसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा बेटा, आपने जो प्लानिंग करी है, मान लीजिए टेस्ट फैशन में कोई बदलाव आ गया तो फिर आपको भी क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब बिजनेस को। और ये जो चीज़ है ये मजे के लिए है, ठीक है, तो मेरे को तो बड़ी हंसी आ रही है अभी भी, आपको आ रही नहीं आ रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए जी आगे बात करते हैं, नेक्स्ट, चेंज इन टेक्नोलॉजी। ये बड़ा ही शानदार है, क्योंकि पता है टेक्नोलॉजी कितनी जल्दी अपग्रेड हो रही है, धीरे धीरे कैसे बदलती जा रही है दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ, एआई आ चुका है, ठीक है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो काम को कितना आसान कर रहा है लोगों के लिए, ठीक है भाई, आप कुछ भी डाल दीजिए वो सब कुछ कर देता है और आपको देता है, बोलो लो या कर लो। तो
तो एआई, ठीक है, तो सेम वे यहां पे मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाने के लिए कि टेक्नोलॉजी कितनी जल्दी चेंज हुई है। मतलब आप देख लीजिए, ये जो पहले पूरा एक बढ़ावा होता था, ठीक है, एक किसी का मतलब हम बोलते हैं जो बैठता था आदमी अपने जो कैबिन होता था उस पर जो उसका डेस्क होता उसमें भरा होता था, आज सब कुछ जो है एक लैपटॉप के अंदर हो गया, लैपटॉप चेंज हो गया अपने आप में और पूरा चेंज हो चुका है। तो ये सारी चीजें बदल के इधर इकट्ठी हो गई है, ठीक है। तो व्हाट इज दिस कि टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है, तो ऑब्वियसली इंसान को, मशीन को, बिजनेस को भी क्या करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अगर वो चेंज नहीं होंगे तो आउटडेटेड हो जाएंगे, आउटडेटेड होगा तो भैया कोई आज की तारीख में आपको फिर मुंह लगाने वाला नहीं है, भूल जाएंगे सारे, बोलेंगे भैया क्या चल रहा है, चलने दो, बाय बाय, सी यू, टाटा, कल मिलेंगे, मतलब मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो भैया अब आपकी जरूरत इस मार्केट में नहीं है, क्योंकि आपने अपने आप में क्या नहीं करा, बदलाव नहीं करा, क्या नहीं करा, बदलाव नहीं करा। तो बस इसी के साथ तो हम बोलते हैं भैया कि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। तो जैसे बताया ना कि आज मोबाइल को ले लीजिए, टीवीज को ले लीजिए, टीवी पहले जमाने में कैसे आते थे बेटा, इतने बड़े आते थे, बाद में एलईडी हो गया, फिर एलसीडी, फिर एलईडी, अब तो इतना आ गया कि एक मैंने देखा था कि वो बॉक्स है उसी में से टीवी निकल रहा है, इसी में से टीवी रोल होके निकल जाता है, मतलब रोल होके निकल जाता है टीवी, भैया और क्या चाहिए आपको, नीचे साउंड बार बन गया उसके एक ही इतनी सी जगह में। टीवी सोचो ना किसी ने कभी जमाने में कि भैया टीवी जो है दीवारों पर टांग देंगे, ठीक है, दीवारों पर टंगी हुई टीवी है, कोई भारी नहीं है, वजन नहीं है, टंगी हुई आराम से इधर उधर घुमा लो उसको, तो एंगल ऐसे लग गए उसके अंदर, ठीक है, बाद में ओटीटी, आप टीवी के अंदर मोबाइल चला रहे हो ऑटोमेटिकली, ठीक है, आपने ओटीटी सीरीज देख रहे हो, क्या नहीं हो सकता टीवी के अंदर, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, अपग्रेड हो रही है, न्यू अपग्रेडेशन आ रहा है, उसके साथ उसमें बेहतर चीजें होती है, 4K आने लग गया, ठीक है, पिक्चर क्वालिटी अच्छी होगी, ठीक है, डॉल्बी साउंड्स वगैरह ये सब चीजें सुनी है मैंने, तो ये सब चीजें क्या है, चेंज इन टेक्नोलॉजी। तो बिजनेस को भी अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना जरूरी है, नहीं करोगे तो परेशानी बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपसे ज्यादा फिर दुनिया में और भी बैठे कॉम्पिटिटर्स जो आपको एक मिनट में मार्केट से गायब कर देंगे, क्योंकि अगर आप पुरानी टेक्नोलॉजी यूज करोगे तो ऑब्वियसली आपकी क्वालिटी और प्रोडक्शन उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी आपकी कॉम्पिटिटर की अच्छी होगी भैया, क्योंकि वो न्यू टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी के साथ काम करेगा। जब नई टेक्नोलॉजी के साथ काम करेगा तो उसकी प्रोडक्शन भी अच्छी होगी, उसकी क्वालिटी ऑफ मेकिंग भी अच्छी होगी, रिसोर्स जो वेस्ट होते थे वो नहीं होंगे, कम रॉ मटेरियल में ज्यादा प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएंगे। इज इट क्लियर, आगे बात समझ में, चलिए जी। चेंज इन गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी आ गया, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आ गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज आ गए, ठीक है, टैक्स रेट आ गया, सब चीजें आती थी, गवर्नमेंट चेंज हो गया उसका ही फर्क पड़ता। अब ये जो सीन है ये कब का है, ये है हमारे 8 PM, याद है रात के 8 बजे क्या हुआ था। नमस्ते मित्रों, भाइयों और बहनों, मैं सभी से ये बोलना चाहूंगा कि आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर समाप्त हो जाएंगे। मतलब आज रात 12 बजे बाद आपके पास जितने भी 500 और 1000 के नोट हैं वो कागज बन के रह जाएंगे, अब कुछ नहीं हो सकता, भागो जहाँ भागना है। तो बेसिकली ये वाला जीप लिया था मैंने, चेंज इन गवर्नमेंट, ऑब्वियसली देखिए गवर्नमेंट चेंज हुआ तो गवर्नमेंट चेंज उसका एटीट्यूड क्या है, एटीट्यूड बड़ा डिपेंड करता है बेटा। मान लीजिए जैसे हम अपने तो दो ही अपन गवर्नमेंट लेके चलते हैं, ठीक है, मैं किसी गवर्नमेंट की तारीफ नहीं कर रहा, यहाँ पे किसी का पक्ष नहीं ले रहा, इट जस्ट अ बेसिक सिनेरियो समझाने के लिए आपको, ठीक है, ये मत समझिएगा कि मैं इसका पक्ष ले रहा हूँ या उसका ले रहा हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है। एनडी तो यही है, कांग्रेस देख लीजिए, मुझे पता भी नहीं, तो मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, ठीक है। बेसिकली हम दो ही जानते हैं हमारी कंट्री के अंदर, बीजेपी और कांग्रेस, जो बड़ी पार्टीज के अंदर काउंट होती है, आप भी एक पार्टी है, ठीक है, एक है वो भी पार्टी चलाता कोई उसको भी, तो ये दो पार्टी है। अब जब भी गवर्नमेंट चेंज होगी, मान लीजिए बीजेपी है, अभी 2024 में इलेक्शन है, अब अगर मान लीजिए कांग्रेस आने के चांसेस होते हैं, इन्वायरमेंट ऐसा दिख रहा है, माहौल ऐसा दिख रहा है कि भाई कांग्रेस बना सकती है अपनी सरकार इस बार सेंट्रल के अंदर,
तो अब क्या होगा यहाँ पे, जो मान लीजिए इनका रवैया कैसे काम करने का, क्या वो इंडस्ट्रियल फ्रेंडली है या नहीं है, बिजनेस बढ़ाने वाले हैं या नहीं है, बिजनेस को करप्ट करने वाले तो नहीं है, बिजनेस को जो होता है ना बिजनेस इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने वाले, उनको ढंग से काम नहीं करने देना, उनमें बहुत ज़्यादा जो होते हैं कि भाई पर्टिकुलर इसी सेक्टर को ज़्यादा बढ़ावा देते, बाकी सेक्टर्स को बढ़ावा नहीं देते, तो उस केस में क्या होगा कि अगर ऐसा लगता है तो भाई जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा वो अपना पैसा निकालना चालू कर देंगे, ठीक है, वो अपना पैसा निकालना चालू कर देंगे भैया, क्योंकि ये गवर्नमेंट आएगी तो ये हमें ढंग से काम करने नहीं देगी, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हो जाएगा, हम जो प्रॉफिट मार्जिन कमाते हैं या जो हमने आगे सपना देखा वो नहीं पढ़ पाएंगे, इन्वेस्टमेंट रोक देंगे। वहीं अगर लगता नहीं भैया ये जो गवर्नमेंट है यही आगे रन करेगी बीजेपी और ये जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बहुत फेवर में रहती है, तो फिर हम क्या करेंगे, अपना पैसा वहीं लगा रहने देंगे, उसको निकालेंगे नहीं। समझ में आ गई बात? तो दिस इज हाउ इट वर्क्स बेटा, सो दिस आउट वर्क्स। तो बीजेपी मतलब इट्स नॉट बीजेपी और एनडीए, मतलब चेंज इन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट चेंज होता है तो गवर्नमेंट जो दूसरी आती है उसका रवैया कैसा है, उसका काम करने का तरीका कैसा है, क्या वो बिजनेस करने के लिए वेज को ईजी करती है या उसमें बहुत ज़्यादा दखलंदाजी करती है, या रेड टैपिज्म ज़्यादा होता है, अगर रेड टैपिज्म ज़्यादा मतलब करप्शन ज़्यादा होगा, मतलब हर काम के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, तो आप अपना बिजनेस इतना ज़्यादा फ्लो ईजिली नहीं कर पाओगे। आगे बात समझ में? तो यहाँ पर जैसे इकोनॉमिक पॉलिसी जैसे 8 बजे वाला वो हो गया, या मान लीजिए जीएसटी भी इकोनॉमिक पॉलिसी का पार्ट है, ठीक है, जीएसटी लेकर आ गए, ठीक है, तो दीज आर द थिंग। अभी डीमोनेटाइजेशन हुआ था, फिर उसके बाद बोल दिया कि भैया कि 2000 के नोट बंद हो जाएंगे, या फिर आपको जो है ई वे बिल फाइन करने पड़ेंगे, या फिर आपको जो टैक्स रेट इस तरह से देना पड़ेगा, हर चीज़ का जो होता है वो इकोनॉमिक पॉलिसी। अब उससे इम्पैक्ट बिजनेस पर अच्छा आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, वो चीज़ें भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट ले रही डिसीजन, आप कुछ नहीं कर सकते। अब करना क्या पड़ेगा आपको, इसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा कि बिजनेस को कैसे रन किया जाए, ठीक है। अब आप तो जाके गवर्नमेंट को नहीं बोल सकते ना भैया नहीं करेंगे, हम नहीं कर सकते, बंद करो उसको, गवर्नमेंट तू अकेला कौन चल निकल जाए, पहले ही फुर्सत से निकल, वो वाला सीन नहीं होता। तो आपको करना क्या पड़ेगा, अपने आप में बदलाव करना पड़ेगा, अपने आप में चेंजेस करने पड़ेंगे। इज इट क्लियर? आगे बात समझ में आई नहीं आई भैया? तो ये हमारे 5 पॉइंट थे, ठीक है, क्या थे हमारे, ये हमारे 5 पॉइंट थे बेटा, है ना। तो हमने कौन से पॉइंट पढ़ लिए, एक बार फटाक से रिपीट कर लेते हैं धमाधम से, एंड देन वी विल देखो। तो हमने बात की थी कि एक्सटर्नल लिमिटेशन क्या होता है, सबसे पहले बोला था नेचुरल कैलेमिटीज जो मैंने समझाया आपको, सेकंड हमने बात करी चेंज इन कंप्यूटर पॉलिसी, तो जैसे बताया कंप्यूटर अपनी पॉलिसी चेंज करेगा तो वो कंट्रोल में नहीं है, उसके हिसाब से फिर आपको अपने आगे के प्लानिंग्स करने पड़ेंगे, अपनी पॉलिसीज में चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर नेक्स्ट बात करता हूँ चेंज इन टेस्ट फैशन ट्रेंड्स इन द मार्केट, तो आपके जो ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, फैशन चेंज हो रहा है, टेस्ट चेंज हो रहा है, या जो भी चीज़ चेंज हो रही है उसके हिसाब से बिजनेस को भी अपने आप क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपनी मार्केटिंग स्किल्स को बदलना पड़ेगा, ठीक है। चेंज इन टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने आपको बताया कि आजकल टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है, आप बाहर किसी का आप देख सकते हो कि खुद का वेबसाइट है, वहाँ जाके आप डायरेक्टली परचेज भी कर सकते हो, ठीक है, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़न हो गया, तो यहाँ से भी आप 24/7 क्या कर सकते हो, घर बैठे ही शॉपिंग कर सकते हो। तो काम करने के तरीके चेंज होता है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, उस टेक्नोलॉजी के साथ आपको अडॉप्ट होना ज़रूरी है। एंड देन चेंज इन गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी की बात हमने करी, इज इट क्लियर? आगे बात समझ में क्लियर है? तो ये था आज की बात जहाँ हमने बात करी थी भैया कि हमारे एक्सटर्नल लिमिटेशंस क्या क्या होते हैं। अगली क्लास में बात करेंगे प्लानिंग प्रोसेस को लेकर, कि प्लानिंग प्रोसेस क्या क्या है, कैसे स्टार्ट होता है, उस बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, एंड देन फिर हम टाइप्स ऑफ प्लान के ऊपर जाके चैप्टर को समाप्त करने की पूरी कोशिश करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।